अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होगी क्योंकि कल काफ़ी लोगों ने बोला था कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लॉन्ग होनी चाहिए और डिटेल में होनी चाहिए। तो आज वाले जितने भी ड्रेसेस हैं इनके साथ आपको ज्वेलरी का आइडिया भी कि हम ईद पे किस तरह की ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं लॉन के 3 पीसेस ड्रेसेस के साथ, और आपको इनके डिफरेंट कट्स भी और जो हम अनस्टिच ड्रेसेस लेते हैं उनकी स्टिचिंग आइडियाज़ भी आपको मिलेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह ये ड्रेस है इस पर आप बटन लगा लें, लूप्स वाली लेस लगा लें, फेसिंग कर लें। आप देखें जो दुबट्टा है उसके अंदर भी शिफोन का दुबट्टा है और रेड कलर की फेसिंग हुई हुई है या पाइपिंग हुई हुई है। तो आप इसी तरह शटल लेस यूज़ कर लें घेरे पे, फेसिंग यूज़ कर लें और लूप्स यूज़ कर लें। इसके साथ अगर आप ज्वेलरी देखें तो आप कोई से भी इयर रिंग्स पहन सकते हैं जो आपके पास मैच हों या घर में आपके पास अवेलेबल हों। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो नेक है वो थोड़ी राउंड है और वो थोड़ी सी हाई नेक टाइप है। तो अगर हम उसके ऊपर की बात कर लें तो टसल्स अटैच हुए हुए हैं, स्लीव्स के ऊपर कट है, कट के ऊपर टसल है। ज़्यादा आपको जो पाइपिंग है आपको वो मिलेगी। कोई सा भी अपने सूट के अंदर से ही कलर मैच करके डार्क कलर की पाइपिंग कर लें, दुपट्टे पे भी करवा लें, टसल यूज़ कर लें। अब इसके शोल्डर के नीचे चुनट्स हैं और ये राउंड स्लिट्स वाली फ्रॉक टाइप बनी हुई है मिनी। इसके स्लीव्स अगर हम देखें तो इसके स्लीव्स थोड़े से ऊपर से लूज हैं, यानी कि थोड़ा वॉल्यूम है, नीचे से फिटेड हैं, गला लूप वाला है, नीचे शटल लेस यूज़ हुई हुई है। तो कोशिश करें शटल लेस को यूज़ करें क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव है। दुपट्टे पे सिंपल मगजी निकलवा लें, पाइपिंग निकलवा लें और टसल्स यूज़ कर लें। अगर आप सारी तरफ यूज़ नहीं करना तो चारों कॉर्नर्स पे यूज़ कर लें, खाली पल्लुओं पे ना यूज़ करें। और इसके साथ एयररिंग्स भी थोड़े से मेटल के यूज़ हुए हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखें इसकी राउंड नेक है, छोटी सी ब्लैक शटल लेस यूज़ हुई हुई है, उसके साथ वाइट शटल लेस यूज़ हुई हुई है। आप चाहें तो नेट लेस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ जो दुबट्टा है अगर इसकी बात करूँ तो ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है। इसके लूप्स देखें, शोल्डर के अंदर भी बारीक बारीक लूप्स हैं, स्लीव्स के अंदर भी आपको लूप्स मिलेंगे थोड़े, उसके बाद बैक के अंदर फिर आपको लूप्स मिलेंगे। और यही लूप्स आप नीचे भी रखवा सकते हैं, अपनी कैपरी में भी रखवा सकते हैं। और इसके साथ जो ज्वेलरी है वो भी मेटल की यूज़ हुई हुई है। आपके पास गोल्ड की है आप गोल्ड पहन लें, दुपट्टे के ऊपर सिंपल फेसिंग या पाइपिंग कर लें। और इसी तरह अगर हम इस ड्रेस की बात करें तो ये देखें इसके स्लीव्स पे भी दो तीन कंबाइन करके शटल लेसेस यूज़ हुई हुई हैं, गला बैंड वाला है, उसके ऊपर ज्वेलरी नेकलेस यूज़ हुआ हुआ है, स्लीव्स जो हमारे पास इसके नीचे है वो शरारा है चुनट्स वाला। तो इस तरह आप भी शरारा चुनट्स वाला पहन सकते हैं। ये ईद के लिए जो यंग गर्ल्स हैं या न्यूली वेड्स हैं वो इसको ईजिली पहन सकती हैं, बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा लगेगा। दुपट्टा 3 पीस है और साथ शिफॉन का है, तो आप उसके साथ पाइपिंग करा लें या टसल्स यूज़ कर लें, या इनफैक्ट आप अंदर खुद भी कुछ एडिशन कर सकते हैं कुछ स्टोन्स वगैरह का। ये ब्लैक और रेड है, ये भी बहुत खूबसूरत है, अंगरखा स्टाइल के अंदर है। इसकी भी एक नॉट है जो कि आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग उसको टाई कर सकते हैं, जिसकी एंडिंग और फिनिशिंग टसल पे हुई हुई है। लूप वाली लेस यूज़ कर लें या शटल लेस यूज़ कर लें, इसके नीचे भी शरारा ही है। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर दुपट्टे के ऊपर फेसिंग और पाइपिंग करें। कुछ आपको सिंपल अच्छा लगता है आप सिंपल रहने दें, सिर्फ चारों कॉर्नर्स पर टसल्स यूज़ कर लें। ये वाला बहुत खूबसूरत ड्रेस है, इसके ऊपर सिर्फ गोल्डन जो टिश्यू है उसकी इंटरनल फेसिंग स्लीव्स पे हुई हुई है और गले पे फैंसी टसल्स यूज़ हुए हैं। दुपट्टे के एंडिंग पे भी टसल्स हैं मेटल के ही। ज्वेलरी इसके साथ बहुत खूबसूरत है और इसी तरह आपके पास घर में जो अवेलेबल हो आप उसको साथ कैरी करें। ये जो कलर है बहुत डिफरेंट है, हम नॉर्मली इस तरह कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते और इतनी हैवी ज्वेलरी भी नहीं पहनते, लेकिन ईद का फंक्शन है या वैसे है तो आप देखें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो यू कैन कैरी एवरीथिंग। इसके गले के ऊपर टसल हैं यूज़ हुए हुए, स्लीव्स के ऊपर भी टसल्स आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, दुपट्टे के पल्लुओं पे टसल्स हैं। दुपट्टे का ऑलरेडी बॉर्डर और शॉल टाइप है तो इसलिए ज़्यादा हैवी नहीं किया। अच्छा, ये एक चीज़ है कि अगर आप इस तरह ब्लॉक प्रिंटिंग समोसा लेस टाइप करवा लेते हैं अपने दुपट्टे के पल्लुओं पे या स्लीव्स पे तो वो आपको बहुत इनएक्सपेंसिव पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ओरिजिनल समोसा लेस यूज़ करके तो उसकी ये लेयर्स बनाते हैं। तो ये देखें स्लीव्स के ऊपर भी समोसा लेस का पैचेज है, बॉय ब्लॉक प्रिंटिंग है और दुपट्टे के ऊपर भी, और एंड पे टसल्स हैं, साइड्स पे वो चुनट्स हैं और उसको नॉट करने के लिए टसल यूज़ हुआ हुआ है। इसके साथ भी ज्वेलरी आप अपनी पसंद की पहन सकते हैं। इसकी ज्वेलरी देखें कितनी खूबसूरत है, प्लेन वाइट ब्लॉक प्रिंटिंग वाला सूट है, दुपट्टे पे समोसा लेस यूज़ हुई हुई है, उसका जो इंटरनल पैटर्न है दुपट्टे का वो भी समोसा लेस वाला ही है लेकिन उसकी ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई है,
ऑफ वाइट एंड डल गोल्ड का ये कंट्रास्ट है, और इसके साथ आप कोई से भी अपनी हैवी आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेटल की पहन सकते हैं। ये ईद के लिए एक परफेक्ट लुक है। कोशिश करें कि इस ईद पे जो आपके पास खुसाज हैं आप उनको यूज़ में लेकर आएँ, अगर नहीं है तो एक दो परचेज कर लें। ये एक न्यू ट्रेंड आया है और ये बहुत डिफरेंट है। ये देखें कटवर्क हुआ है स्लीव्स पे, आगे टेसल्स यूज़ हुए हुए हैं, ज्वेलरी का है जो टसल गले पे यूज़ हुआ है लूप वाला, वो भी थोड़ा फैंसी में है। शलवार के ऊपर कटवर्क हुआ हुआ है, आप चाहें तो डबल ट्रिपल सीडी लेस यूज़ कर लें अगर बजट अपना रीजनेबल रखना है। स्लीव्स पे प्लेट है और जिगजैग लेस यूज़ हुई हुई है, और इसके साथ आप चाहें तो अपना ऑर्गेन्जा का कोई भी दुपट्टा उसको लेके तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस प्रेस की बात करें तो इसके साथ भी ज्वेलरी देखें बहुत खूबसूरत है। ये सेम वैसे ही सिलावा है जिस तरह हमारे पास 3D या ड्रेसेस आते हैं, हमारे पास 3 पीसेस उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी कुछ होता है। स्लीव्स भी एज इट इज़ ही उसके मिलते हैं, सिर्फ इसमें एडिशनल लुक देने के लिए दामन के एंड पे शटल लेस यूज़ हुई हुई है और नीचे प्लाजो पे। लेकिन मैं प्लाजो में खुद कंफर्टेबल नहीं रहती इसलिए मैं प्लाजो का मशवरा नहीं देती। प्लाजो से ज़्यादा बेहतर कैप्री होती है, चूड़ीदार पजामा होता है या फिर शलवार होती है। इसके ऊपर फेसिंग हुई है। अब ये देखें ये चाइना सिल्क का सूट है, या रॉ सिल्क आप लेनी चाहते हो आप रॉ सिल्क ले लें, और दो पैचेज अगर आप अपनी वेस्ट लाइन के ऊपर अटैच कर लेते हैं तो बहुत डिफरेंट लगता है। देखें दोनों कलर लेमन और ऑरेंज कितना डिफरेंट कलर के कंट्रास्टेज हैं, तो उन दोनों के ऊपर इसका कंट्रास्ट हुआ हुआ है। और साथ इसके इयररिंग्स जो है वो बड़े डिफरेंट हैं। ये भी ब्लैक कलर का ड्रेस है और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न है और मोटिव्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। ये पिंक कलर का ड्रेस है और इसके ऊपर भी जो है स्लीव्स के ऊपर लेस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। जिगजैग लेस यूज़ हुई हुई है और आगे मिरर स्टोन्स यूज़ हुए हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये येलो और इंक कलर का कंट्रास्ट है और ये भी बहुत डिफरेंट है। इसके साथ अगर हम देखें तो आप वो जो टसल्स हैं वो अटैच कर सकते हैं। अब जिस तरह इसके ऊपर टसल्स लगे हुए हैं, ये पीच और ब्राउन शेड का कंट्रास्ट है, और अब समर्स में वैसे भी येलो कलर बहुत इन होता है और बहुत अट्रैक्ट करता है। येलो के साथ अगर आप वाइट का कंट्रास्ट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप डिफरेंट लेसेस यूज़ हुई हुई हैं स्लीव्स के ऊपर, और सेंटर में मिरर लेस यूज़ हुई हुई है। इसके साथ चेक वाले स्लीव्स हैं, ऑलरेडी शर्ट्स कुछ इस तरह आती हैं। अगर आप इसकी भर्ती शॉर्ट नहीं तो आप इसको लॉन्ग भी रख सकते हैं। दुपट्टा कोई भी आप वाइट शलवार के साथ इसको पेयर कर लें, वाइट दुपट्टा ले लें, तो वो बहुत डिफरेंट लगता है और बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियोस और आइडियाज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। अब ये वाला ड्रेस पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत लाइट है लेकिन मल्टी कलर का हैवी टसल यूज़ करके गले के ऊपर, क्योंकि स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी थी, साथ वाइट शलवार को पेयर किया हुआ है। ये टसल देखें बहुत डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है। लाइट सी ज्वेलरी पहन लें, हैवी रिंग कर लें, तो ये आप एक ईद के लिए, सेकेंड थर्ड डे के लिए आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये ब्लॉक प्रिंटिंग वाला सूट है, साथ चूड़ीदार पजामा है, नीचे खुसा है। साथ अगर आप ज्वेलरी पहन लेते हैं, दुपट्टा ले लेते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग वाला, या थोड़ा डिफरेंट है कोई क्रश दुपट्टा है आप वो ले लें। सिंपल गोल्डन इसके बटन यूज़ हुए हुए हैं विदाउट पट्टी, तो इस तरह भी आप चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर हम इन ड्रेसेस की बात कर लें तो ये भी 3 पीस हैं, लूप्स हैं। ज़्यादा चीज़ें जो अगर आपने ऐड करनी है तो आप लूप्स ऐड कर लें, शटल लेसेस ऐड कर लें, सीडी लेस ऐड कर लें, या आप ऐड कर लें कोई भी फेसिंग और पाइपिंग, या आप टसल्स ऐड कर लें। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप यूज़ कर लेते हैं और इनका एडिशन कर लेते हैं तो एक बहुत डिफरेंट इकोनॉमिकल बजट के अंदर आप अपना सूट क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो लेस का पैटर्न जो है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकली उसको अटैच करके उसके ऊपर टसल अटैच किए हुए तो उसकी पूरी गले की लुक डिफरेंट होगी है। तो चीज़ों से एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि चीज़ें किस तरह उनको दूसरे तरीके में यूज़ करके वो खूबसूरत लग सकती हैं। अब ये रेड शर्ट है, इसको आप ब्लैक पटियाला शलवार के साथ पहन लें, शर्ट का गोल घेरा कर लें, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंधी टच है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हैवी करने की इसको ज़रूरत नहीं है। साथ ज्वेलरी हैवी कर लें और चुनर्स वाले इसके स्लीव्स हैं, तो इस तरह हम डिफरेंट चीज़ों के साथ डिफरेंट तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसकी बैक थोड़ी सी डीप है, बैक के ऊपर टसल्स हैं, नॉर्मल स्लिट्स हैं, नॉर्मल शर्ट की लेंथ है और नॉर्मल ही शलवार है विदाउट एनी डिज़ाइनिंग। तो अगर आपके पास अब ये वाला देखें, ये मेरा बहुत फेवरेट है, थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट है, स्लीव्स जो शर्ट जो है वो राउंड दामन वाली है और स्लिट्स बहुत शॉर्ट है, कुर्ता स्टाइल के अंदर है। शलवार के ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग हुई हुई है, बॉल्स वाली लेस लगी हुई है। तो इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर,
अगर हम इसका बैक देखें तो देखें बैक के ऊपर एक लूप है और उसके अंदर टसल अटैच हुआ है, तो आप लॉन के सूट पे भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।